गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे, आपसे पूछ ले कि पीछे जो वीडियो पढ़ा अपलोड किया गया था, आपके सामने दिया गया था, उसमें कुछ क्लियर नहीं आया था, तो पुनः वही वीडियो आपको अपलोड करके या जो भी बातें हैं वो आपको बताई जा रही है, तो पुनः रिपीट किया जा रहा है उसी वीडियो को। तो अध्ययन करेंगे हम राजनीति विज्ञान, किसका अध्ययन करेंगे? राजनीति विज्ञान का, पीछे वाले वीडियो के बारे में। और जो अपनी क्लास रहेगी वो है बीए पार्ट से, कि हम पढ़ रहे थे अभिसम्य, किसके बारे में? अभिसम्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो क्लियर नहीं आया है उसमें, अभिसम्यों का महत्व, क्या पढ़ा था? अभिसम्यों का महत्व, अभिसम्यों का महत्व। आज जो उन्हें रिपीट हो रहा है वो है अभिसम्यों का महत्व, अभिसम्यों के बारे में क्या कहा गया है। अब देखो कि आपसे पूछ ले अभिसम्य, अभिसम्य को क्या कहा गया है संविधान की आत्मा? बेटे की पूछ ले अभिसम्य, अभिसम्य को संविधान की आत्मा कहा गया, कि ब्रिटेन के संविधान की बात करें, ब्रिटेन का जो संविधान बना है वो वहां के संविधान की क्या है? आत्मा है। फिर पूछ ले कि इसका पहला महत्व क्या है संविधान के विकास में सहायक, संविधान के विकास में सहायक, कि अपना बात कर रहे हैं ब्रिटिश के, तो ब्रिटिश का जो संविधान बना है किस देश का? ब्रिटिश देश के संविधान को बनाने में, किसको बनाने में भाई? संविधान को बनाने में अभिसम्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसका निरंतर विकास है हुआ है। जैसे कि बात करें कि प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन का संविधान का प्रारंभ राजतंत्र से हुआ था, किससे हुआ था भाई? राजतंत्र से, कि राजा का शासन हुआ करता था जिस पे अंकुश जनता रखती थी, फिर हुआ निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र से क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र, और निरंकुश राजतंत्र से वर्तमान में क्या हो गया? लोकतांत्रिक प्रणाली। तो राजतंत्र से लोकतंत्र तक जो विकास किया है वो किसके कारण हुआ है? ब्रिटिश के अभिसम्यों के कारण हुआ है। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि ब्रिटेन के अंदर जो अभिसम्य जो परंपराएं हैं वही आगे चल के क्या बनी? वहां का संविधान बनी। पूछ ले जैसे उदाहरण के तौर पे पूछ ले, जैसे मेघना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, मेघना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र। तो ये यहाँ की परंपराओं के अनुसार ही, ब्रिटेन की परंपराओं के अनुसार ही संविधान बना है, इनके नियम बने हैं। तो कहने का मतलब दूसरी बात करें कि सीधी सी बात है कि ब्रिटिश का देश का जो संविधान है वो अभिसम्यों से बना है, किससे बना है? इन अभिसम्यों से बना है। जैसे राजतंत्र से प्रारंभ होता है, निरंकुश राजतंत्र होते हुए यहाँ पे लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो किसके कारण हुई है? अभिसम्यों के कारण। जैसे मेघना
सिंहन शासक कह सकते हैं या सम्राट, कि ब्रिटेन का जो राजप्रतीक चिन्ह है वो सम्राट है वर्तमान में, वो भी किसके कारण, अभिसमयों के कारण निर्धारित किया गया। तो ये निरंतर विकास है वो अभिसमयों के कारण हुआ है, अभिसमयों के कारण विकास है लगातार है जारी। तो पहला तो बड़ा हमने अभिसमयों के द्वारा ब्रिटिश संविधान का विकास या ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक। दूसरा पूछ ले कि संविधान को कार्य रूप प्रदान कराना, कार्य रूप प्रदान कराना। दूसरा आपसे पूछ ले कि दूसरा क्या है भाई, कि यहाँ ब्रिटिश संविधान को कार्य रूप प्रदान कराने का काम कौन करता है? ब्रिटिश अभिसमय करते हैं, ब्रिटिश के अभिसमय। जैसे क्या आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश में सम्राट कानूनी तौर पर संपन्न, कि ब्रिटेन का जो सम्राट है उसे कानूनी तौर पे संपूर्ण अधिकार किसे मिले, ब्रिटेन के संविधान को या ब्रिटेन के सम्राट को मिले हैं। इस स्थिति में क्या कहेंगे कि कानूनी तौर पे संपर्क को कौन है? ब्रिटिश का संविधान। बात करें वास्तविक संपर्क मंत्रिमंडल या जनता की संपूर्ण शक्तियां तो राष्ट्रपति को मिली है, लेकिन बात करेंगे कि संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित रहती है, जनता और मंत्रिमंडल में निहित रहती है। तो वास्तविक संपर्क कौन हो गया, वास्तविक शक्तियों का उपयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद करता है और जनता करती है। अगर विरोध उत्पन्न हो जाए दोनों में कानूनी रूप से विरोध उत्पन्न हो जाए, विरोध हो जाता है, तो मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा जो कानून है वही मान्य होगा। कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाने पे मंत्रिमंडल या कानून द्वारा जो बना हुआ है वही क्या होगा, मान्य किया जाता है, वही मान्य माना जाता है। तीसरा पूछ ले शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना या श्रेष्ठता प्रदान करना, कि ब्रिटेन के जो अभिसमय, कहाँ के अभिसमय, ब्रिटेन की जो परंपरा है वो वहां की शासन व्यवस्था जो प्रणाली है, जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका या किसी भी प्रकार से शासन करने के जो नियम बने हैं उनको श्रेष्ठता प्रदान करती है। कहने का मतलब है उन्हें महान बनाती है। किस प्रकार से बनाती है, देखो कि यहाँ पे एक परंपरा है कि ब्रिटेन में एक परंपरा बनी हुई है अभिसमय कि जिसमें क्या होगा कि संसद में, किसमें भी संसद में, ब्रिटेन में एक ऐसी परंपरा निर्धारित की हुई है संसद के अंदर कि वहां पर एक विधेयक को, किसी विधेयक को तीन बार वचन दिया जाता है, कि वहां पे अगर कोई कानून बनाना, कोई विधेयक लागू करना है, नियम बनाना है संविधान के अंदर, ब्रिटेन के संविधान के अंदर, तो वहां एक विधेयक का कितनी बार वाचन किया जाएगा, तीन बार उसे पढ़ा जाएगा। तीन बार पढ़ने के बाद ही उस पे क्या किया जाएगा, नियम बनेगा, कानून पारित होगा, कि तीन बार पढ़ने के बाद ही वह क्या बनता है, कानून बनता है। इसका मतलब है कि वहां तीन बार जो पढ़ा जाता है, इसका मतलब है कि कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, आराम से सोच समझकर वह नियम बनाते हैं। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करके धैर्य के साथ वो उसे पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई उन्हें बदलाव करना हो तो वह बदलाव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करने का काम कौन करते हैं, अभिसमय करते हैं। किस प्रकार करते हैं, कि ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन की संसद में कोई विधेयक कानून बनता है तो उसे कितनी बार वाचन किया जाएगा,
तीन बार वाचन किया जाएगा और तीन बार पढ़ने के बाद ही उसे अमल में लाया जाएगा या उसे कानून बनाया जाएगा। इसके बाद पूछने कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहती है, विरोध नहीं रहता है, किसी भी संगठन किसी भी दल या जनता के मध्य में तीन बार वाचन करने के बाद विरोध की स्थिति नहीं होती है। तो ब्रिटेन में कभी विरोध की स्थिति नहीं होती है। तो हमने कितने महत्व पढ़े, पहला महत्व हमने पढ़ा कि संविधान के विकास में सहायक, दो अभिसमय है ब्रिटेन के वो विकास में सहायक, दूसरा महत्व पढ़ा संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, तीसरा महत्व है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना, चौथा महत्व पूछ ले आपसे अल्पसंख्यकों तीन महत्व हमने पढ़े, तीनों दाने अलग अलग तरीके से, तो वहां पे अभिसमय पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि छाई में चार अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, चार नंबर क्या है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की रक्षा। तो चार नंबर जो महत्व है अभिसमयों का वो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। कैसे भाई, कि जो अभिसमय जो परंपराएं, कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं अभिसमय, अभिसमय कि किसी भी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समूह पर अत्याचार नहीं होने देते हैं, कि बराबर का महत्व देते हैं। जैसे कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुवर्ग निम्न वर्ग पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। अत्याचार के इसका मतलब अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं हो पाती है, लेकिन ब्रिटेन में इससे उल्टी स्थिति है, चाहे बहुवर्ग हो चाहे निम्न वर्ग, बहुवर्ग की परंपराएं भी ध्यान में रखी जाती है और निम्न वर्ग की परंपराएं भी ध्यान में रखी जाती है। तो अभिसमय जो परंपराएं हैं वो किसी एक वर्ग की परंपरा दूसरे वर्ग की परंपरा पे अत्याचार नहीं करने देती है, उनकी रक्षा करती है। किस प्रकार से करती है, निम्न वर्ग को भी वहां पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली है, अपनी परंपरा को मानने के लिए अपना जीवन यापन जीने के लिए वो क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र माने गए। जैसे कि क्या कहते हैं आपसे पूछ ले, हियर हियर एक विद्वान हुए, हियर क्या कहते हैं, हियर के अनुसार पूछ ले अभिसमय अल्पसंख्यकों के अभिसमय परिभाषा पूछ ले, हियर की अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं। आपसे पूछ ले कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित परिभाषा किसने दी है, हियर ने दी है। हियर कहते हैं कि वहां के जो अल्पसंख्यक मतलब बहुवर्ग से कम वर्ग के जो लोग हैं, वहां ईसाई धर्म से कम जो लोग हैं, उन लोगों की अभिसमय परंपराएं क्या करती है, रक्षा करती है, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव या भारी दबाव या अत्याचार नहीं होने देती। तो ये चार नंबर महत्व था। पांच नंबर महत्व पूछ ले राष्ट्रमंडल, पांच नंबर महत्व क्या कहोगे राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना, तथा जन संप्रभुता को को सफल बनाना। क्या कह रहा है पांच नंबर महत्व, कि राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है देश का प्रतिनिधित्व,
कि अपना देश का शासक और जन संप्रभुता की जनता में शक्ति देकर, जनता को संपूर्ण शक्ति देकर क्या बनाना है, एक सफल देश बनाना। कैसे, जैसे बात करें कि लचीलापन देगी, लचीलापन कि यहाँ की कानून व्यवस्था में कुछ क्या दिया जाए, लचीलापन दिया जाए जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, जैसे कि परिवर्तन हो सके, कि ऐसा नियम ऐसा कानून बनाना जिसके लचीलापन के कारण यहाँ के संविधान में, यहाँ के कानून व्यवस्था में आसानी से क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके। जैसे बात करें कि परिवर्तन होगा, इसके अलावा जनता, बात करें कि कौन जनता, जनता राष्ट्रमंडल के प्रति क्या रखेगी, श्रद्धा रखेगी। राष्ट्रमंडल का मतलब है सम्राट के प्रति, क्या है, सम्राट के प्रति। बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना। जो देश का प्रतिनिधि होगा कौन होता है, सम्राट होता है, और जनता को संपूर्ण शक्ति देना। लचीला प्रत्येक के कानून व्यवस्था में क्या किया जा सकता है, आसानी से बदलाव किया जा सकता है, बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और जनता सम्राट के प्रति मतलब राष्ट्रमंडल के प्रति अपनी श्रद्धा रखे। तो ये पांच नंबर जो महत्व था वो क्या था भाई, राष्ट्रमंडल के प्रति पूछ ले, सफल बनाना। अब पूछ ले, इसी में एक परिभाषा दी है, आगे बढ़ आपसे पूछ ले कि किसने क्या परिभाषा दी है। तो परिभाषा देखो कि जेनिगल्स के अनुसार पूछ ले कि ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा, जन संप्रभुता की धारणा ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग व सफल बनाने, धारणा को सजग व सफल बनाने का श्रेय, अभिसम्यों को जाता है, अभिसम्यों को जाता है। क्या कहते हैं जनिगत परिभाषा राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाने से संबंधित, कि ब्रिटेन में जन संप्रभुता, कि ब्रिटेन के लोगों में संपूर्ण शक्ति प्रदान करने की जो धारणा है वो इसको और ज्यादा सफल बनाती है यहाँ के संविधान को। क्या कह रहा है कि जेनिगज कह रहा है कि ब्रिटेन में लोगों को शक्तियां देने के बाद ब्रिटेन के संविधान को और ज्यादा सफल बनाती है। कैसे बनाती है, कि उसको सफल बनाने में योगदान इसका है, अभिसमयों का योगदान है, अभिसमयों के कारण ही ये और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते। तो हमने पढ़ा अभिसमयों का महत्व, ये आपका वीडियो क्लियर नहीं आया था तो इसका हमने पुनः अध्ययन किया और पुनः इसे अपलोड कर दिया जाएगा, पुनः रिकवरी कर दी जाएगी, जिससे आप इसको आसानी से अध्ययन कर सकते हो। और ऐसा लगे कि कोई बातें आपको समझनी हो, पूछनी हो, तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और वैसे पर्सनली तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो ये अभी समय का महत्व यहाँ तक हमने पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया है और आप नोट भी करते होंगे साथ साथ।